तिरंदसानंजनाशलाकया चक्षुर्मीत ये तस्म श्री गुर्व जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्रीअदाद शिव सदर हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे हुकम कम ती वाचाल पंगुम लंगाय ते गिरे मत कृपा तम हम वंदे श्री गुरु दीन तार में परमानंद माधव वंश चतने हरे कृष्णा वेलकम एवरीवन तो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं सेवेंथ चैप्टर आज डिस्कस करेंगे लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन आया है तो माता जी कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन आप एक बार अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे सबके लिए जिन्होंने अभी तक नहीं सुना या अभी अभी जो ज्वाइन किए हैं प्रभु जी मैंने पूछा है कि जो लोग गलत करते हैं दूसरों के साथ और बाद में भगवान की शरण में चले जाते हैं तो भगवान आपने कहा था पहले कि उनको माफ कर दिया जाता है बट जो वो जिनके साथ करते हैं उनको जस्टिस कैसे मिलेगा फिर कि उनके साथ जो गलत किया तो वो ये सोचते हैं ना कि भगवान आ, मतलब यू नो आ, हमारे हम उनको कहेंगे अपनी कंप्लेंट तो वो देखेंगे कि उन्होंने गलत किया और वो कुछ एक्शन लेंगे अपनी तरफ से ये वो नहीं कर सकते तो ओके वेरी नाइस बड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो कई लोग हैं जिन्होंने कोई गलत बात की और जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ नाइंसाफी हुई उनको कैसे जस्टिस मिलेगा जिन लोगों ने गलत किया वो तो चले गए भगवान की शरण में अब और माफ हो गए लेकिन जो बेचारे जिनके साथ अन्याय हुआ उनका क्या होगा उनके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा तो दीपिका माता जी वो अभी उनके लिए आवाज उठाने के लिए यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या होगा ऐसे तो कौन आप में से इस बात का जवाब देगा कोई आया यहाँ पे जो देना चाहेगा जवाब अच्छा रक्षिता माता जी ओके रक्षिता माता जी एक मिनट हम और डिस्कस देख लेते हैं और किसी ने हाथ ऊपर किया है कि फिर आपके पास आते हैं अच्छा और कौन देना चाहेगा आंसर क्योंकि रक्षिता माता जी तो सही आंसर दे देंगे तो फिर किसी और को भी टर्न मिलनी चाहिए उससे पहले अपने पॉइंट ऑफ को रखने के लिए क्वेश्चन ये है कि अगर किसी ने किसी के साथ गलत किया तो जो जिनके साथ गलत हुआ उनको जस्टिस कैसे मिलेगा

वो उसके और जिस जो जिसके साथ गलत करता है वो उसके ऑलरेडी कर्मा में होता है पुरानी लाइफ में कभी ना कभी उन्होंने उनके साथ कुछ गलत किया होगा जो उनको वापस मिलता है और जो गलत करते हैं वो उनके साथ अगर करते हैं तो वो उनके कर्म में चला जाता है तो ये जो साइकिल है ये चलती ही रहती है अगर मेरे साथ कोई कुछ गलत करके जाता है तो एज अ डिवोटी एज अ नॉर्मल पर्सन हमें uh, ये पता नहीं होता इसलिए हम ब्लेम करते हैं कि वो उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया पर हालांकि वो हमारे ही कर्म होते हैं जो किसी लाइफ टाइम के होते हैं जो हमें पे भुगत के जाने होते हैं जैसे आप बताते हो ना कि हमारे जो कर्म होते हैं वो जैसे प्रारब्ध होता है फिर वो फल बीजम होता है फिर वो बाद में जब पूरा फल हो जाता है तब हमको उसको भुगतना होता है कुछ लाइफ टाइम्स में पूरे होते हैं कुछ इसी लाइफ uh, में पूरे हो जाते हैं तो जो न्याय की बात है तो वो तो प्रभु जी ऐसा है कि हम इस वी आर ह्यूमन बींग और हम आते ही अपने कर्मों को भुगतने के लिए तो इसके लिए हम भगवान को भी कोई ब्लेम गेम नहीं कर सकते सेकेंड चीज जो गलत करके चले जाते हैं उनका भी फिर वो कर्मा लिखा जाता है कुछ लोग गलत करने के बाद भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान ये कभी नहीं कहते भगवान ने हमेशा ये कहा है कि मैं उन्हें माफ कर देता हूँ मैं उनकी भक्ति को उस दिन से स्वीकार करता हूँ बट अगर उन्होंने गलत किया इसका हम तो ये नहीं है कि उनके उनके जो सिंस हैं वो माफ हो जाते हैं उनको भुगतने नहीं पड़ेंगे बल्कि भगवान उनको एक्सेप्ट जरूर कर लेते हैं लेकिन अगर उन्होंने गलत किया है तो आज नहीं तो कल नहीं तो मे बी नेक्स्ट लाइफ टाइम उनको ये भुगतने के लिए आना ही पड़ेगा सो डिवोशन लाइफ जब तक प्योर नहीं होती हमारी तब तक हमको बर्थ एंड इसमें वापस आना पड़ता है टू बी द परफेक्ट टू बी परफेक्ट टू गो टू गो

या किसी ने हमारे इंसल्ट कर दिया भरी भरी महफिल में कितनी हमारी कर दी तो बड़ा दुख हुआ हमें कह रहे ऐसे कैसे तो ये क्यों हुआ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी पड़ेगी कि हमारे पहले हमने कहीं ना कहीं कोई ना कोई कर्म किया है जिसकी वजह से आज हमारे को ये दे दिन देखना पड़ा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि कोई भी चीज ऐसे नहीं होती के हमारी लाइफ में ऐसे नहीं आती जो हम डिजर्व नहीं करते एक्चुअली हम डिजर्व करते हैं लेकिन कई बार क्या होता है भगवान उस चीज को इजी कर देते हैं या कम कर देते हैं कृपा के रूप में अगर मान लो किसी को किसी की मृत्यु होनी थी किसी जगह लेकिन अभी उसने भगवान की सेवा की या भगवान की भक्ति की तब हो सकता है उसकी मृत्यु ना हो या फिर उसको थोड़ा और अपॉर्चुनिटी मिले आम, किसी का हाथ कटना था लेकिन अब उसका सिर्फ थोड़ा सा अंगूठा ही कटता है क्यों क्योंकि उसका उसका को मिल गया गया थोड़ा सा टोकन कम हो यूजुअली ऐसा होता नहीं है यूजुअली तो जो आपने किया है उसका कर्म मिलता है जो अच्छा करोगे आप उसका अच्छा मिलेगा जो बुरा करोगे वो बुरा मिलेगा कर्म कैंसिल नहीं होता टिल द स्टेज ऑफ प्योर डिवोशन जब आप प्योर शुद्ध भक्त बन जाते हो फिर भगवान सब आपका खत्म कर देते तो ये प्योर डिवोशन बनने इतना आसान नहीं है कि आपने आज शुरू किया और हम कल तक प्योर डिवोटी हो गए ऐसे नहीं टाइम लगता है इसके लिए ज्यादातर लोगों के लिए हाँ अगर आपने अच्छे से कृष्णा जो कह कहने वो फॉलो करोगे आप और शुद्ध भक्त बन जाओगे तो फिर भगवान सारा कर्मों का ये जो चीज साइकिल है ये खत्म हो जाएगा आपका आप सीधा भगवान के धाम में जाओगे अम जो भी हमारी लाइफ में लेकिन उस प्रोसेस में जब आप प्योरीफाई होते हो जब आप भक्ति करते हो वो आसान प्रोसेस भी नहीं है ना उसमें भी चैलेंजेस आएंगे उसमें भी तपस्या आएगी उसमें भी बड़ी सारी चीजें आएंगी तो वो तपस्या वो ऑस्टेरिटीज वो सब चीजें जो है वो आपके पुराने कर्मों को अपने आप ही खत्म कर देंगे क्योंकि अब आप भगवान की भक्ति में लग गए तो भक्ति इज हाइएस्ट जैसे मान लो अगर कोई एक बच्चा है वो किसी यूनिट टेस्ट में उसके अच्छे नंबर नहीं आते यूनिट टेस्ट होता है ऐसे क्लास में टेस्ट दिया टीचर ने उसमें उसके गलत नंबर आ जाते अच्छे नहीं आते लेकिन जो फाइनल एग्जाम है उसने फाइनल एग्जाम में हर सब्जेक्ट में उसे वो हंड्रेड में से हंड्रेड लाया है तो टीचर कहती है इसके हर में हंड्रेड में से हंड्रेड है लेकिन कोई कह नहीं, नहीं नहीं उसने वो यूनिट टेस्ट जो हुआ था ग्यारह महीने पहले उसमें इसके नहीं थे उसमें इसके दस में से पांच ही नंबर आए थे इसलिए इसको फाइनल एग्जाम में में कम नंबर आए थे इसलिए आपके कट करने पड़ेंगे हमें ऐसे होगा क्या दीपशिका जी नहीं होगा ना नहीं।, नहीं होगा उसी तरह से पहले कितने जन्मों में हमने कितने गलतियां करी हैं वो मैटर नहीं करती हमने कितनों का दिल दुखाया इंसल्ट किया किसे। अगर हम अब सोच लें ले, और, और भगवान, की रूप से सेवा करें, भगवान के भक्तों की सेवा करें तो भगवान अंदर से हमें प्योरिफाई कर देंगे भगवान का होली नेम नाम लेना हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे भगवान के Uh, जो रूल्स है उनको फॉलो करना जैसे एकादशी uh, के समय में व्रत रखना फास्टिंग स्ट्रिक्ट फास्टिंग करना खाना पीना मिनिमाइज uh, रखना या बंद कर देना ये सब चीज़ें तपस्या तो ये सब से पुराने कर्म जो है हमारे वो uh, क्या कहते हैं इजीली ओवरकम हो जाते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं स्ट्रिक्टली और सीरियसली हम प्रैक्टिस करते हैं तो इससे हम हमारे को एक कवच मिल जाता है कवच मिल जाता है हमारे को गलत चीजें करने की प्रवृत्ति चली जाती है हमारी और अच्छी चीजें करने की प्रवृत्ति आ जाती और -दीर पुराने सारे कर्म जो है और धीरे धीरे कृष्णा माम एकम शरण प्रजा अहम तो आम सर्व पापे भी हो मोक्ष शामी माशुषा के सारे धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा डरो मत तो इसलिए भगवान की शरण में आना है भगवान सब मुक्त कर रहे हैं इवन बाकी रिलीजन में भी ऐसे है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम आप देखोगे वो भी कहते हैं कि अगर आप एक बारी आ जाओगे वो गलत इंटरप्रेट करते हैं वो कहते हैं एक बारी आगे मुस्लिम बन जाओ तुम्हारे सारे पुराने चीजें जो हैं वो शुद्ध हो जाएंगे तुम तो लेकिन सिर्फ बोलना नहीं होता मुस्लिम मतलब सरेंडर भगवान के शरणागत होना ये होता है मुस्लिम का वर्ड मतलब इस्लाम मतलब कि भगवान को जो पूरी तरह से सबमिट करके सरेंडर करके भगवान के तरीके से जीता है तो सारे रिलीजन्स में मोटा मोटा एसेंशियल टीचिंग यही है कि भगवान को सरेंडर करना है। भगवान इज लविंग फादर वो प्यार करेंगे तो ये दो पर्सपेक्टिव से आ गया एक पर्सपेक्टिव से आ गया कि जिसके साथ नाइंसाफी हुई वो क्यों हुई वो पुराने कर्मों की वजह से हुई और जिसने करी उसने जो गलती करी उसका उसको फल मिलेगा लेकिन अगर वो भगवान की शरण में आ जाता है और भगवान की तपस्या और भगवान की आ, आ, क्या कहते हैं पूरी तरह से सरेंडर कर लेता है तो ऐसे व्यक्ति का प्रोसेस में ही जो ये पूरा प्रोसेस है भगवान को शरण शरणागत होना और सरेंडर करना इसमें उसका पूरा शुद्धिकरण हो जाएगा और वो एक बेटर व्यक्ति बन जाएगा जैसे एक जेल में कोई जाता है तो जेल में जो प्रिजनर जाता है उसने किसी का वध कर दिया मतलब किसी को मार दिया अब जेल वाले ने देखा कि जिसको मारा था वो तो बच गया बंदा लेकिन इसने अटैक किया उसको तो इसको रिफॉर्म करना है उसने कहा आपको उम्र कैद की सजा अब उम्र कैद में इसने अच्छे से बिहेव किया रिफॉर्म हो गया इसने सब कुछ ठीक से किया जैसे गवर्नमेंट ने कहा इसने कहा एक्चुअली मैंने होमिसाइड में उसको मारना नहीं चाह रहा था मैंने अपने बचाव में मारा उसे वो मेरी तरफ अटैक करने के लिए आया मुझे लगा एक्चुअली वो उसके पास लेकिन पिचकारी वाली गन थी मुझे लगा रियल गन है और मैंने उसको अटैक कर दिया कहा तो ठीक है आपने गलत किया है आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा तो उसको थोड़े दिन रखते हैं जब वो रिफॉर्म हो जाता है उसके बाद कहते हैं चलो जाओ अब ऐसे तो नहीं हो सकते कि जो उसने पेन दिया था उस व्यक्ति को वो पूरा का पूरा पेन जो है उसको रिवर्स कर सके रिवर्स तो हो नहीं सकता वो जो हो गया हो गया लेकिन इसने उसका पूरी तपस्या करी ना इसने पूरी वहां पर रहा उसी तरह से जब आप प्रोसेस फॉलो करते हो भक्ति का प्रोसेस ये अपने में फुल फ्लैश तपस्या है ये कोई ऐसा नहीं है कि आप भगवान के पास गए आपने चीटिंग कर ली कि देखो मैंने वहां खून भी कर दिया और मैं माफी नहीं ये पूरा प्रोसेस है जिससे आप पूरा अंदर से क्लीन हो जाओगे फिर आप भगवान की सेवा भक्तों की सेवा बाकी लोगों की सेवा करोगे तपस्या करोगे पूरी उससे पूरा शुद्धिकरण हो जाएगा आपका तो ये कोई ऐसा शॉर्टकट मेथड नहीं है हाँ आप कुछ हाँ जी प्रभु जी बट उनकी फैमिली भी तो सरवाइव करती है ना किसी एक की दूसरे को जैसे उसने उसको मार दिया चाहे उससे हुई कि वो नहीं मारना चाहता था या कुछ भी बट उसके साथ जो उसकी फैमिली जुड़ी हुई है उसके भी कर्मा थे कि उसके फैमिली मेंबर के साथ ऐसा हुआ और आ, वो भी मतलब ऐसे सर्वाइव कर रहे हैं उसके बिना या कैसे भी अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो माता जी आपको याद है हमने एक स्टोरी सुनाई थी कुछ क्लासेस पहले शुरू शुरू में कि एक बारी धृतराष्ट्र पूछता है कृष्णा से कि कृष्णा आपने ऐसे क्यों किया मुझे आ, अंधा बना दिया मेरे को सौ बच्चे दिए और सौ के सौ बच्चे जो है थे उन वो मर गए अब कितना दुख हुआ मेरे को ना अंधा होने की वजह से मुझे राजा भी नहीं बना मैं और फिर जो सौ बच्चे बने मिले वो भी मर गए मतलब कितना दुख हुआ तो कृष्णा ने उनको कहा देखो एक्चुअली क्या है आपने सौ जन्म पहले आप एक लड़के थे आप चढ़े एक पेड़ पे आपने देखा एक पेड़ के ऊपर सौ चिड़िया के बच्चे थे और जो फादर चिड़िया का बाप था वहां पे वो था तो आपने क्या किया सौ के सौ बच्चों को मार दिया और जो चिड़िया का बाप था उसको अंधा कर दिया आपने तो आपको उसकी सजा मिलनी थी तो उसने कहा अच्छा तो फिर आपने सौ जन्म के बाद दिया उसी उसी जन्म में दे देते दे या अगले जन्म में दे देते नहीं सौ बच्चे आपके होने चाहिए थे और आप सौ बच्चों को मरता हुआ देखो ये आपको उसका फल मिलना था लेकिन एक भी बच्चा हो इसके लिए बहुत ज्यादा पुण्य कमाना पड़ता है तो आप का इतना पुण्य का अकाउंट ही नहीं बन पा रहा था कि आपके वो सौ बच्चे हों एट ए टाइम तो आपको वो पुण्य कमाने में सौ जन्म लग गए और सौ जन्मों के बाद आपने इतना पुण्य कमा लिया कि अब आपके सौ बच्चे हो सकते हैं तो तब आपके सौ बच्चे हुए और आप अंधे पैदा हुए और फिर आप जो है सौ बच्चों का तो ये कर्मा का जो पूरा साइकिल है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कृष्णा बताते हैं पहले चैप्टर्स में हमने अलग से डेडिकेट किया था टाइम कर्मा को समझने के लिए क्योंकि लोग आम लोगों को समझ में नहीं आता लोग कहते हैं कर्मा है या डेस्टिनी है या क्या है ये एक्चुअली क्या है जो हम काम करते जा रहे हैं हर एक सेकंड में उससे हम एक नया कर्मा जो है हमारा बनता जा रहा है और जो भी ये कर्म जितना बनता जा रहा है उसका हमें फल मिलेगा आने वाले दिनों में तो अगले मोमेंट में मुझे किसी चीज का फल मिल रहा है और पहले मैंने जो अब उससे कैसे मैं रिस्पॉन्ड देता हूं जैसे मान लो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे डालते हैं अब मैं उस सिचुएशन को कैसे रिस्पॉन्ड करता हूं उसके बेसिस पे मेरे रिस्पॉन्स के बेसिस पे मेरी डेस्टिनी फाइनल हो जाती समझ में आ रहा है फिर नेक्स्ट मोमेंट पे पुराने कर्मों की वजह से मुझे जो स्थिति में डाला उस स्थिति में मैं कैसे उससे रिएक्ट कर रहा हूं उस बेसिस पे मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन रेडी हो जाती है तो ये कंटिन्यूस साइकिल चलती रहती है कंटिन्यूसली इसको प्रेडिक्ट करना आसान हम तो सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं ना कि ये हुक किया था हमने इसकी वजह से हमें ये फल मिला लेकिन इतना इजी नहीं होता एक फल जो मिलता है उसके पीछे कई सारे रीजन कंबाइन होके आते हैं और उस इतना कॉम्प्लिकेटेड है ये पूरा कि ये हमारे समझ से ही बाहर है एक्चुअली हम समझ भी नहीं सकते भगवान की तरह कोई या कोई किसी को भगवान वो करें एम्पावर करें तो वही ये चीज को समझ सकता है अदरवाइज आम इंसान समझ नहीं सकता तो जो भी फैमिली जो भी बुरा हो रहा है एक्चुअली वो पुराने कर्मों की वजह से है जैसे कई लोग हैं प्लेन में और प्लेन क्रैश हो जाता है तो सब लोग भी मरे और उनके साथ फैमिली भी बुरा हुआ आप इसका क्या रहे? क्या रीजन रीजन यही है कि उन सबको कर्म लगना था उसके थ्रू गुजरना था इतने सारे जन्म लिए हमने पहले उनके सारे लिएटिव कर्म होते जाते हैं और हर हर शन में हम वही जो है रिजल्ट जो फ्रूट्स जो फल है पुराने टाइम पे करे हुए वो फल हमको भुगतने पड़ते हैं, हैं या खाने पड़ते हैं रैलिश करने पड़ते हैं अगर अच्छे फल हो तो हम बहुत खुश होते हैं अगर कड़वे खराब हो फल तो फिर हम सोचते हैं ऐसा हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। Does it make sense? रहा है? समझ में आ जी प्रभु जी आ रहे जो उनकी फैमिली है एक्चुअली उन्होंने भी कहीं कही ना कहीं कोई ना कोई कर्म किया जिसकी वजह से उनको भुगतना पड़ रहा है और प्रभु जी जैसे डेली लाइफ में हम ऐसे चलते हैं और हमारे पैर के नीचे कोई कीड़ा या कुछ आ जाता है तो ये उसके लिए अच्छा है कि उसको नेक्स्ट जून मिल गई या हमारे लिए बुरा है कि हमने वो गलत कर्म कर दिए होने को तो दोनों चीजें हो सकती है लेकिन उसके लिए अच्छा तभी होगा अगर आप शुद्ध भक्त हो तो अगर आप भक्त नहीं हो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए और अगर आप भक्त हो तो आप कभी जान के नहीं करोगे ऐसी चीज क्योंकि आप क्या करोगे आप तो सबको रिस्पेक्ट दोगे और अगर बाई चांस आपसे हो गया तो आप तुरंत भगवान का नाम लोगे और उसके लिए प्रार्थना करोगे कि ऐसा बिल्कुल मेरे से होना नहीं चाहिए था कैसे हो गया जैसे जी का कहते हैं ना पहले वो एक शिकारी थे थे तो शिकार करके मार रहे थे। और उसके बाद नारद मुनि उनके बाद क्या कर रहे हो तुम ये सब मत करो तुम्हारा बड़ा बुरा हाल हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूं फाइनली उनको कन्विंस किया कि आप ये मत करो आप शरण लो भगवान की लेकिन वो राम का नाम तक नहीं बोल पा रहे थे इतना उन्होंने पाप किए थे के पाप की वजह से राम का नाम उनके मुंह से निकल नहीं रहा था तो उन्होंने कहा मरा बोलो आप मरा 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 वो मरा ही राम बन गया और उससे उनका हाथ इतना हृदय शुद्ध हो गया कि उसके बाद जब वो आए नारद मुनि नेक्स्ट टाइम मिलने तो वो एक चींटी के ऊपर भी पैर नहीं रखना चाह रहे थे उन्हें देखा चीटी है तो फिर लंबे रूट से गए थोड़ा इधर उधर उन्होंने कहां से गोल गोल घूम के आ हो प्यार उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि वहां चीटियां थी और मैं उनके ऊपर पैर नहीं रखना चाह रहा था तो ऐसे एक जो शिकारी है जो लोगों को तड़पा तड़पा के मार रहा था जीवों को उसका हृदय परिवर्तित हो गया उसी तरीके से उसी तरीके से डिबोटी जो होता है उसका हृदय जो है वो यही होता है कि किसी को कष्ट नहीं आना चाहिए मेरी वजह से मैं कष्ट ले लू नो प्रॉब्लम बाकी ना है। तो ऐसे भावना होनी चाहिए और अगर बाई चांस कभी ऐसा कुछ हो जाता है कि किसी कीटाणु की के के लगा के कष्ट हुआ तो उसके लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से और जब आप प्रार्थना करते हो या आपके मुंह पे हमेशा भगवान का नाम चलता रहता है आपके घर में चलता रहता है तो सारे कीटाणुओं को भी बेनिफिट होता है सारे प्लांट्स इंसेक्ट सबको बेनिफिट होता है ये सब चीजें जो है एक प्योर डिवोटी के एसोसिएशन या उसके पास रहने के बेनिफिट्स हैं या किसी भी डिवोटी और दूसरी चीज हमें कर्म लगता है कि नहीं अगर हम अगर हम डेलीबरेटली मार रहे हैं किसी को कष्ट पहुंचा रहे हैं तो कष्ट पहुंचाने का तो यही है कि इफ वी गिव पेन देन वी विल गेट पेन हम डेलिबरेटली अगर किसी को कष्ट पहुंचा रहे हैं जिसने हमारे को कुछ नहीं किया जो बेजुबान है जिसने हमारे को कोई आके अटैक नहीं किया मारा नहीं तो फिर गलत है हाँ अगर वो आके आपको काट रहा हो मार रहा हो कोई ऐसा हो जानवर जैसे सांप होते हैं बिच्छू होते हैं उनको तो फिर मारना ही पड़ता है अगर वो किसी इंसान को मार सकता है तो वो उचित नहीं है लेकिन प्रभु जी कोई बार हम डर से भी कोई ऐसा कर देते हैं जैसे कॉकरेच आ गया तो वो हिट लगा देते हैं ऐसे तो मतलब वो अंदर चाहे हमें कुछ नहीं कहा बट हमें उससे डर लगता है तब भी हम ये चीज कर देते हैं ऐसे तो ये आम... भी गलत है ना हाँ हम अगर किसी को कष्ट देंगे तो फिर मुश्किल होगा ना इसलिए अब हमारे को अपनी हैबिट चेंज कर लेनी चाहिए हमें समझ लेना चाहिए हमने बहुत पाप कर लिए हैं अब हमें भगवान की शरण में जाना है इसलिए आप चैंटिंग बढ़ा दो चैंटिंग जितनी हम बढ़ाएंगे उतना बेनिफिट होगा अगर हम चैंटिंग बढ़ाएंगे तो सारे हृदय से डर वगैरह ये सब चीजें चली जाएंगे लेकिन चैंटिंग का मतलब एक एक वर्ड अटेंटिवली सुनना हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे समझ में आ रहा है माता हाँ जी प्रभु जी okay. और कोई क्वेश्चन और नहीं है प्रभु जी बस थैंक यू ठीक है हरे कृष्ण प्रभु जी डज इट सेटिस्फाई आपको ठीक लगा आंसर क्लियर होगा गया कॉन्सेप्ट जी प्रभु जी ठीक ओके और कोई कुछ ऐड करना चाहता है इसमें <laughs> नताशा माता जी वांट टू ऐड समथिंग अक्षिता माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद नहीं प्रभु जी थैंक यू वेरी नाइस थैंक यू ओके ग्रेट ऑल राइट right, तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में थैंक यू